हिंदुस्तान के तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, बात करना चाहते हैं सीमा सचिन के बारे में। आप तमाम लोग ही परेशान हैं कि अब तक एटीएस या रियासती इदारे सीमा को हिरासत में क्यों नहीं ले रहे, आखिर क्या वजह है? क्या एटीएस ने जो भी पूछताछ की उसमें सीमा क्लियर हो गई, कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसके बयाव पर यह बात की जाए कि उसे छूट दी गई है? तो यकीन मानिए ये हमारे लिए भी अजंबा है कि एटीएस की जितनी भी जांच पड़ताल हुई उसमें सीमा लगातार फंसती गई है, उसके बाद भी इसको क्यों छोड़ा गया, यह हमारे लिए एक अजीब बात है। जिसके एग्जांपल में आपको यह देता हूं कि उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए, 1 टूटा हुआ फोन बरामद हुआ। उससे पूछा गया कि यह मोबाइल तोड़ा क्यों, तो कहती है कि मैंने इसलिए तोड़ा कि कहीं पाकिस्तान की एजेंसी मुझे ट्रेस ना कर रही हो। फिर लैपटॉप कैसे छोड़ाई, चलें यह भी मान लिया। इसने कहा कि मुझे पाकिस्तानी एजेंसीज ट्रेस ना कर रही हो, तो फिर जब एटीएस ने पूछा कि आईएसआई की तरफ से तो नहीं भेजी गई तुम, तो कहती है मुझे आईएसआई का लफ्ज ही नहीं पता, मैंने ये लफ्ज ही पहली बार सुना है या मैंने पबजी के टाइम पे सुना। इतनी मासूम बन गई। आईएसआई ने पूछा कि तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलती हो, कितनी पढ़ी भी हो, तो कहा मैं तो 5 पढ़ी हूं। एटीएस समझ गया कि ये झूठ बोल रही है, 5वीं क्लास का ये लेवल। एटीएस ने सवाल किया कि तुम्हारी हिंदी इतनी शुद्ध कैसे, तो कहती है मैंने मोहब्बत में आई हूं और मैंने मोहब्बत में ही ये हिंदी सीखी है सचिन से। जिस पर एटीएस ने सवाल किया कि सचिन गालिबन को यूपी से होगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो तो खुद वहां का, उसको तो खुद इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती, जिस तरह की शुद्ध हिंदी तुम इस्तेमाल करी। तो इस सवाल के जवाब में वो खामोश हो गई। अब जब पढ़ाई के हवाले से बात की कि आपका वे ऑफ टॉकिंग एक पढ़े लिखो की तरह है, आखिर इसकी क्या वजह, तो कहा मैंने पबजी के ऊपर जो है ये सारा एक्सेंट अपना लिया और मैं वहां से सीखी। तो जनाब अपने बच्चों को कल से पबजी पे लगा दीजिए, क्योंकि अब आपको किसी इंस्टीट्यूट में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चे एकदम फुर से सारी इंग्लिश और कॉन्फिडेंस लेवल पबजी खेलते खेलते सीख जाएंगे। सीमा ने इसके बाद ऐसी कई गोलमोल बातें की जिसमें उन लोगों ने एटीएस की मालूमात में कुछ बोर्ड पर लिखे गए अल्फाज भी थे जो लिख के दिए, जो उसने फटाफट पढ़ लिए। कॉन्फिडेंस लेवल तमाम इंडियंस के सामने है। बार बार ये नॉमिनेट करना मैं एक भारतीय हूं, सबसे अच्छी भारतीय हूं और मुझे नागरिकता मिल जाए, जब नागरिकता ना मिलने की बात की जाए तो कहा जाता है मैं खुद को भी मार लूंगी और अपने बच्चों को भी मार लूंगी। एटीएस ने मालूमात की तुम पबजी कैसे खेलती रही और तुम इतना टाइम कैसे निकाल लेती थी, तो कहा कि मुझे इसलिए भी किसी चीज का नहीं पता, मेरी आधी जिंदगी जो है वो, मतलब जब आईएसआई का सवाल पूछा कि तुम्हें कैसे नहीं पता, तो कहा कि मैं मेरी आधी जिंदगी पैदा बच्चे पैदा करने में लग गई, आधी जिंदगी बच्चे पालने में लग गई। अब सवाल ये कि बच्चे पालने में लग गई तो पबजी कैसे खेला जा रहा था, क्योंकि जब 2000 की ये बात करिए तो इसकी बच्ची 2000 में मतलब वो 3 साल की या 2 साल की बच्ची होगी, 2 साल मतलब 2020 की उसकी पैदाइश है। सोचने वाली बात ये कि 4 साल पहले का दावा करता है एपी सिंह के तलाक हो चुकी थी, तो ये बच्चा कहां से आया? जब तलाक हो चुकी थी तो हमने तो नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब एपी सिंह खुद ही इसको बदकार साबित करने में लगा कि ये बच्चा भी किसी और का है, क्योंकि हैदर अली से तो ये तलाक ले चुकी थी। इसका मतलब वाजे तौर पर यह भी झूठ बोला गया। यकीनन ये तमाम लोग जानते हैं कि इसका आखिरी टाइम तक हैदर अली से राबता था और ये उसके लाइनअप में थी। रीजन क्या है, हैदर अली पैसे भेज रहा था, घर गृहस्थी कैसे चला था, लप्पू तो खुद भिखारी है, उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, ना कपड़े पहनने के लिए थे, सबने उसकी शक्ल देखी, आज थोड़ा सा पैसा आ रहा है तो वो ग्रूम करवा रही है उसको, अदरवाइज सबने उसकी हालत को देखा है कि उसकी हालत इजहार किया। ये सारी चीजें एनालाइज क्यों की गई, मैंने आपको क्यों बताया, जनाब आला आखिर क्या वजह है कि एक आम बंदे की भी समझ में आ रहा है कि सीमा के पीछे हाथ जरूर है, वरना इतनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इतने झोल हो ना तो यकीनन इदारे छोड़ते नहीं है। इदारे फिर किसी भी कंट्री के हो वो शार्प होते हैं, वो जहीन होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ऊपर होता है जब भी उन्हें इंटेलिजेंस इदारों में अपॉइंट किया जाता है। तो उनके लिए सीमा जैसे पता नहीं कितने लोगों का केस सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बात अजब यह है कि क्या सीमा को वहां पर रिहाइश भी दे दी जाएगी, क्या इतना सीमा जो कॉन्फिडेंस से बोलती जा रही है
और इतने कॉन्फिडेंस के साथ सबको ललकार रही है, दो मुल्कों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर रही है, वरना रियासत इस बात पे भी पकड़ सकती है तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि तुम दो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ पाकिस्तान में, जबकि तुम इस समय खुद जो है वो तश्वीश के दौरान ये के अंदर हो, तुम्हें सिर्फ हमने थोड़े टाइम के लिए बाहर छोड़ा है। यकीनन कुछ चीजें हमारे लिए भी अजीब है, तो ये इंडियन दोस्तों को जरूर कहूंगा कि शायद हो सकता वाकई इसे आगे चलकर नागरिकता मिल जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के कई साफी ये बात कर रहे हैं कि मुमकिन है ऐसा हो जाए, और सीमा को इलेक्शन के दौरानिए में यूज भी कर रहे हैं। आप देख लेंगे अन करीब ये सारे मामला जब इलेक्शन आएंगे, जब क्रिकेट आई तब भी इसने नफरत का खेल फैलाने की कोशिश की कि मैं तो शुरू से जो है वो भारत की टीम को सपोर्ट करती आई हूँ। हर झूठ इसका कौम के सामने है, भारतीय लोगों के सामने है, लेकिन ये अपने झूठ से घेरा तंग करती जा रही है। मैं तमाम लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आप खुद भी सोचिए, ऐसे कई सवाल हैं मैं जो आपके सामने रख सकता हूँ। इसके झूठ की बुनियाद सभी जानते हैं, चाहे वो इसके स्टडी को लेकर हो, चाहे वो हैदर अली से रिलेटेड हो कि उससे तो मेरा ताल्लुक ही नहीं था और उससे तो मेरी कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी, मैंने तो हैदर अली को देखा तक नहीं था, सब झूठ है। इसके चेहरे पर इसकी आंखों में झूठ साफ वाजे होता है। और बच्चों की तरबियत किस तरह कर रही है आप सभी जानते हैं, हमारा मकसद सीमा को लेकर नहीं है, ये जरूर है कि आखिर इसे सपोर्ट क्यों किया जा रहा है, बच्चे क्यों हैदर अली के सुपुर्द नहीं किए जा रहे, जो कि हमारे हिसाब से अजीब बात है। तमाम लोग इंसानियत के लिए खड़े हुए, तमाम हिंदुस्तानी खड़े हुए आवाज़ दे रहे हैं कि आप हैदर अली के बच्चों से वापस दें, तो आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है। हम खुद भी परेशान हैं, आप अपनी राय में जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्या क्या इन सारे सबूतों को देखते हुए आपको लगता है कि सीमा इनोसेंट है, आपको लगता है कि सीमा मासूमियत और प्यार के लिए भारत में आ गई, ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई कि इसमें ये पकड़ी नहीं जाती कि यकीनन इसे सब चीजें मालूमात थी, लेकिन ये बेवकूफ बना रही है इदारों को भी, आपको भी और मुझे भी। अपनी राय का दर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।